जय मूल निवासी साथियों, मैं अधिवक्ता सुनील कुमार रजौरिया, दिल्ली संयोजक इंडियन लॉयर एसोसिएशन, आप सभी से, जिनमें मेरे दिल्ली प्रदेश के सभी नागरिक बंधु, मेरे भाई और मेरे विद्वान अधिवक्ता साथियों, सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि 29 जनवरी 2020 को, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष माननीय वामन मेसराम साहब के द्वारा जो बंद बुलाया गया है, आप सभी को ज्ञात होगा ये बंद जो है NRC CAA, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, और दूसरा जो हथियार इनका लाया हुआ है NPR, इस तरह के जो काले कानून बनाए गए हैं जिनसे हमारे देश की न सिर्फ अखंडता, साथ साथ नागरिकों के ये जो मौलिक अधिकारों के हनन की कोशिश है, सभी देशवासियों को धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश है, इस तरीके के काले कारनामे करके पूरे देश को जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सभी देशवासियों को आह्वान करूंगा माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में कि सभी अपने घरों से निकलें और इस तरीके की विभेदनकारी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकें और सभी अपनी राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। अभी हमारे पास समय है, जो कुछ बर्बाद करने की ये कोशिश कर रहे हैं, सभी देश में एक नागरिक होने का अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ये हमारे सामने अगली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, मजबूत और एक संगठित भारत को बचाए रखने की चुनौती है। हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे, इसी अपील के साथ मैं इस तरह के काले कानून जो कि ये लगाए जा रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है धर्म के आधार पे, देश को तोड़ा जा रहा है, इन सभी को धिक्कार करता हूँ और सभी से ये अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से निकलें और अपने देश को एक सुंदर देश बचाए रखने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर से निकल करके इनके खिलाफ संघर्ष करें, सड़कों पर करें, केवल बातें ना सोचें, मन में ना सोचें। हर एक नागरिक का उतना ही कर्तव्य है जितना मेरा कर्तव्य और दायित्व है। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।